नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंधु जल संधि के ऊपर समीक्षा बैठक बुलाई है। इसमें हो सकता है इस समझौते पे फिर से विचार किया जा सकता है। पाकिस्तान के साथ 56 वर्ष पहले किए गए सिंधु जल समझौते को रद्द करने की संभावना पर भारत ने गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस मुद्दे पूरे हालात को समझने के लिए बैठक बुलाई है। बैठक में जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारी वर्ष 1960 में किए गए इस समझौते के तमाम पहलुओं के बारे में मोदी को बताएंगे। शुक्रवार को जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने अपने अधिकारियों के साथ सिंधु जल समझौते को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी, लेकिन अब पीएम मोदी ने जब इस मामले में पूरी जानकारी लेने के लिए अधिकारियों को बुला लिया है तो साफ है कि भारत की मंशा इस बारे में सिर्फ चेतावनी देने की नहीं है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सिंधु जल बंटवारे समझौते को रद्द करना एक बहुत ही अहम फैसला होगा। इस बारे में हम कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठा सकते। वैसे भी इस फैसले के कई पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना होगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और उसमें भाषण देंगे। हो सकता है तो उरी हमले को लेकर पाकिस्तान पे भी करारा जवाब दे सकते हैं, इसलिए इस भाषण का पूरे देशवासियों का इंतजार है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगी। सभी की निगाहें उन पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा कश्मीर पर लगाए गए आरोपों का करारा जवाब देंगी। महासभा में होने वाली बहस में हिंसा लेने के लिए विदेश मंत्री रविवार को यहां पहुंच गई। सुषमा स्वराज का संयुक्त राष्ट्र में संबोधन भारतीय समयानुसार शाम 7 से 7:30 बजे के बीच होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। स्वरूप ने कहा है कि भारत को जवाब देने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान को आतंकवाद पैदा करने वाला और आतंकवादी देश कहा जा सकता है। उसे आतंकवाद को हथियार की तरह प्रयोग कर युद्ध अपराध करने वाला करारा जवाब दिया जा सकता है। गौरतलब है कि नवाज शरीफ ने 21 सितंबर को यूएन में अपने भाषण के दौरान 8 मिनट कश्मीर पर बात की थी, जिसके बाद देश विदेश में सभी को भारत के जवाब का इंतजार है। आतंकवादियों के द्वारा बार बार दिए जा रहे धमकी के बावजूद कश्मीर में एसपीओ की भर्ती के लिए 25,000 युवाओं ने आवेदन दिया है। आतंकियों को जान से मारने और अलगाववादियों के सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुनाए जाने के बावजूद कश्मीर के 25,000 नौजवानों ने पुलिस में बतौर एसपीओ भर्ती होने के लिए आवेदन किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पुलिस में एसपीओ के 10,000 पदों पर भर्ती के राज्य सरकार के प्रस्ताव का 22 सितंबर को अनुमोदन किया है। भर्ती प्रक्रिया जारी है। राज्य पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एसपीओ के 10,000 पूरी रियासत के लिए है। कश्मीर में 5,000 और जम्मू संभाग में 5,000 एसपीओ भर्ती होंगे। वादी के 10 जिलों के लिए 25,000 आवेदन आए हैं। सबसे ज्यादा जिला कुपवाड़ा में 8600 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बड़गांव में 4,000, बारामूला में 3,853, अनंतनाग में 2,400, गादरवल में 1,600, कुलगांव में 1,258 और पाड़ीपौर में 1,000 व श्रीनगर में भी 1,000 आवेदन जमा कराए गए हैं। जिला पुलवामा में 800 और शोपिया में 500 नौजवानों ने एसपीओ भर्ती के लिए आवेदन किया है। पीएसएलवी C-35 आज अपने सबसे बड़े मिशन पे निकल गया है और इस मिशन पे सभी की निगाहें हैं। भारत का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान सुबह करीब 9:12 पर अपने सबसे लंबे मिशन की ओर रवाना हो गया। यह यान अपने साथ 8 उपग्रहों को लेकर गया है, जिसमें एक मौसम संबंधी और अन्य 7 उपग्रह हैं। पीएसएलवी के साथ भेजे जाने वाले 5 विदेशी उपग्रहों में अल्जीरिया के 3 उपग्रह हैं। इनका नाम है LZ-1V, LZ-1N। इसमें कनाडा का NLS-19 और अमेरिका का एक पाथ फाइंडर उपग्रह शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुताबिक इसके प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शनिवार सुबह 8:42 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा राकेट प्रक्षेपण स्थल पर शुरू हुई थी। कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी के पिता का कहना है कि उरी हमले में पाकिस्तान का नहीं बल्कि कश्मीरी आतंकवादियों का हाथ हो सकता है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए कमांडर बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी ने उरी में
सेना मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार किया है। उरी हमले के पाकिस्तान का साथ होने से संबंधित एक सवाल के जवाब में मुजफ्फर वानी ने कहा, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ कैसे हो सकता है? जो भी आतंकी बनने के बाद कश्मीर में आता है वह कश्मीरी है। यहाँ तक हिंदुस्तान का कोई भी मुस्लिम यहाँ आ सकता है। यह कश्मीरी आतंकी द्वारा किया गया हमला भी हो सकता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे शहाबुद्दीन से जुड़ी कुछ बातें।